नमस्कार, मैं विनय मिश्रा सीएसई स्टेट ऑफिस से आज के इस आज की मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी बीएलई भाइयों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि प्रतिदिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे स्टेट ऑफिस के इस माध्यम से सर्विसेज के बारे में संपूर्ण जानकारी विभिन्न विभिन्न प्रोडक्ट के बारे में प्रतिदिन दिया जाता है, तो उसी क्रम में आज मैं एचपी सर्विस गैस बुकिंग और एचपी सर्विस से डीलरशिप और किस तरह से आप गैस बुकिंग कर सकते हैं, तो एचपी सर्विस के बारे में इस प्लेटफॉर्म से आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इस क्रम में आज हमारे साथ एचपीसीएल से रमेश जी सीनियर मैनेजर ऑपरेशन हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इंद्रेश कुमार जी हैं, जो एक सीएससी बीएलई हैं, जो कि हमें न्यू कनेक्शन के बारे में कैसे न्यू कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं एचपीसीएल का, और कैसे हम कैसे वितरण ऐप अपने मोबाइल पे बीएलई भाई अपलोड करके ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कितने सिलेंडर उन्होंने दिए हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट किया है, उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ओवरऑल व्यू बताऊंगा कि नए बीएलई भाई लोग जो कि अभी तक डीलरशिप के में इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्टेड हैं, पर अभी तक उन्होंने डीलरशिप ली नहीं है किसी भी ओएमसी की, तो उसके बारे में क्या क्या, उस डीलरशिप लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताएंगे। तो रमेश जी, मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि एचपीसीएल का जो हमारा अभी एक नया वेंचर हुआ है न्यू कनेक्शन का, कि अब हमारे सीएससी सेंटरों के माध्यम से भी एचपीसीएल के कस्टमर्स को न्यू कनेक्शन दे सकते हैं, जो कि एक माइलस्टोन है हमारा एसोसिएशन का, तो आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दें और कैसे हमारे बीएलई भाई कनेक्शन अप्लाई करके लोकल में अपने बेनिफिशियरीज को सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे ज्यादा लाभ समा सकते हैं। ओवर टू यू रमेश जी। विनय सर, थैंक यू। सभी बीएलई भाई और हमारे विशेष बीएलई हैं इंद्रेश जी का को नमस्कार। मैं रमेश कुमार सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर एचपीसीएल से बात कर रहा हूं। दोस्तों, हम यहां पे तीन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे बीएलई है वो नया कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन अपने सीएससी पोर्टल के माध्यम से कैसे करेंगे, तो उसका एक लाइव डेमो हम सीएससी जो हमारे इंद्रेश जी हैं वो प्रॉपर डेमो करके एक एक स्टेप के साथ में दिखाएंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे और उस रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब न्यू कनेक्शन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है आधार कार्ड की, जिसके नाम कनेक्शन देना है उसका आधार कार्ड लेना अनिवार्य है। आधार कार्ड में आधार नंबर होता है, फोटो आईडी होता है, उसमें फोटो लगी होती है और उसके पीछे एक एड्रेस होता है। जो नया कनेक्शन बनता है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है एक आईडी प्रूफ की होती है, तो आईडी प्रूफ एज अ आधार आईडी प्रूफ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ जो आधार के पीछे जो एड्रेस लिखा हुआ है, अगर उसी एड्रेस में कनेक्शन लेना है तो वो एज अ एड्रेस प्रूफ वर्क करेगा। यदि उस एड्रेस पे एप्लीकेंट नहीं रहता, जिसका कनेक्शन होल्डर जिसको कनेक्शन चाहिए वहां पे नहीं रहता है, तो उसे कोई दूसरा एड्रेस प्रूफ एक देना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, राशन के ऊपर भी एड्रेस लिखा होता है, बिजली के बिल पे लिखा होता है, टेलीफोन के बिल पे लिखा होता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रूफ जिसके ऊपर उसका एड्रेस लिखा हुआ जहां पे आप कनेक्शन यूज करेंगे वो चाहिए होता है। और तीसरा लगता है एक फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज का एक फोटो आपको देना पड़ता है। चौथा होता है बैंक अकाउंट, जहां पे आपको सब्सिडी चाहिए वो उस कस्टमर के नाम पे, उस एप्लीकेंट के नाम का अकाउंट होना चाहिए और उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड,
तो वो पासबुक के फर्स्ट पेज में रहता है। अगर कोई ऑनलाइन से निकाल के दे सकता है तो भी सही है, या कोई कैंसल चेक दे सकता है तो भी है। हमको जरूरत है अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड। अब अगर उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है अगर उस एड्रेस पे लेते हैं तो बैंक पासबुक भी एज एड्रेस प्रूफ काम कर सकता है। एक चीज मैं डाउट दूर करना चाहूंगा, आधार कार्ड किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का, कहीं का भी हो वो चलेगा। ये दिमाग में मत लीजिए कि जहां कनेक्शन चाहिए वहां का आधार कार्ड, नहीं। अगर एड्रेस प्रूफ आधार ले रहे हैं तो जरूरी है, अदरवाइज कहीं का भी आप आधार जो है ले सकते हैं। हमारा मतलब है आधार नंबर से, सिंपल। तो हमने क्या बताया, एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार नंबर, एक फोटो आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट विथ आईएफएससी कोड, अगर इतनी, और एक मोबाइल नंबर। इतने चीज अगर आपके पास हैं तो बीएलई अपने सीएससी लॉगिन के थ्रू जा करके न्यू कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यह रहा रजिस्ट्रेशन का। अगर किसी के में कोई भी डाउट है आप नोट करिए, बाद में हम ओपन सेशन पे इसको डिस्कस करेंगे, कोई भी एक्स वाई डाउट। और अब हम इसके बाद जो है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे नया कनेक्शन बन जाएगा, तो जैसे आप बुकिंग करते हैं, आप अपने सीएससी पोर्टल के थ्रू किसी कस्टमर की बुकिंग करते हैं, तो एचपीसीएल ने एक ऐप बनाया हुआ है, वितरण ऐप। वो वितरण ऐप मोबाइल पे लोग यूज करते हैं, हमारे जितने डिलीवरी मैन हैं, उसमें फैसिलिटीज रहती है कि आप कस्टमर की रिफिल बुकिंग कर सकते हैं। उसमें कंज्यूमर नंबर डालना है और सीधा बुक करना है, और वो बुकिंग डिस्ट्रीब्यूटर के पैकेज में रिफ्लेक्ट होती है तो बुकिंग हो जाती है। तो वो फैसिलिटी आज हम यहाँ पे सिखाएंगे कि वितरण ऐप कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे लॉगिन करना है, और उसका आईडी क्या होगा और उसका पासवर्ड क्या होगा, उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो क्वेरी होगी आप ओपन सेशन में पूछिए, खुले मन से, हर डाउट को दूर किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ वी रजिस्टर दी एनसी रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारे पास मिस्टर इंद्रेश कुमार जी हैं, जो एक बीएलई हैं, और वो अपना सीएससी पोर्टल ओपन करेंगे और उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन पूरी लाइव दिखाएंगे। उसमें जहां भी आपको लगे कि हम फास्ट जा रहे हैं या कोई डाउट है उसमें बोलिएगा, क्योंकि ये लाइव वन टाइम ही होगा, तो प्रॉपर बहुत स्लोली स्लोली करेंगे हम, जिससे सबको समझ में आए। तो अभी हम इंद्रेश कुमार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऑनलाइन स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन को शेयर करें और उसको प्रोसीड करें। इंद्रेश जी नमस्कार। सर मैं इंद्रेश मौर्य, मैं एक सीएससी वैली हूँ, और हम आपको आज बताएंगे कि बीएलई के बीएलई जितने भी बीएलई हैं हमारे, उनको सीएससी से नए कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले जो हम सीएससी पोर्टल लॉगिन करेंगे, ये जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपका सीएससी कनेक्ट का लॉगिन पेज है, यहाँ पर अपना सीएससी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका सीएससी पोर्टल लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर हम एलपीजी सेक्शन में जाएंगे, ये आपका ऊपर से स्क्रॉल करके गैस सेक्शन में जाएंगे, और गैस सेक्शन के जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है एलपीजी, और एलपीजी के बाद यहाँ पर आता है रजिस्ट्रेशन फॉर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और एलपीजी गैस रिफिल बुकिंग। तो यहाँ पर एलपीजी गैस रिफिल बुकिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऐसा स्क्रीन आएगा, यहाँ पर आपको तीनों कंपनियों का नाम दिखेगा और हमें क्लिक करना है डिजिटल सेवा कनेक्ट पर। डिजिटल सेवा कनेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर बीएलई का पूरा डिटेल आ जाएगा, बीएलई का बीएलई आईडी, उसका ईमेल आईडी, और वो एक्टिव है कि नहीं इस पोर्टल के लिए। फिर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं।
इंदिरी जी, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जी सर ये जो विंडो आप ओपन कर रहे हैं ये ना यूज जी करके सर दूसरा वाला यूज करें जो हो रहा है, नया विंडो ओपन हुआ है ना वो शेयर करिए, इसको स्टॉप कर दीजिए, उसको ओपन करिए, क्योंकि आपने एलपीजी गैस दे दिया। हाँ करेक्ट, ऐसे ही आपको क्रम में बढ़ाना है, क्योंकि जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता है। ओके सर, यहाँ पर तो चार आपने तो एक एक सेकंड नहीं जी, तो आपने वेली भाइयों के लिए जैसे कि हम डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करेंगे उसके बाद जैसे इंद्रजीत ने बताया और बाकी वेली भाई जानते भी हैं, एलपीजी गैस एलपीजी सर्च करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल पे तो ये स्क्रीन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन है एलपीजी रिफिल रिक्वेस्ट, दूसरा है एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है एलपीजी न्यू कनेक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं एलपीजी न्यू कनेक्शन से, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर न्यू कनेक्शन का विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम ग्राहक का मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पर ग्राहक का मोबाइल नंबर टाइप करेंगे फिर सबमिट करेंगे। ग्राहक का नंबर टाइप करके सबमिट करने के बाद ये विंडो खुलेगी, यहाँ पर ग्राहक का नाम फिल करना है और उसका जेंडर और डीओबी। यहाँ पर ग्राहक का नाम टाइप करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, ये आपका आएगा एड्रेस डिटेल के लिए, यहाँ पर उस ग्राहक का एड्रेस डिटेल फिल करना है। तो ग्राहक का मोबाइल नंबर, ये आपका ग्राहक का जो है हाउस नंबर नहीं है उन्हें डाल देंगे, बिल्डिंग नंबर बिल्डिंग नेम है, बिल्डिंग नेम में भी उसका डिटेल आपके वोटर आईडी या पर आधार कार्ड पर होगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा, उस जिले के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में, यहाँ पर जिस बीएलई के पास आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उस बीएलई को सिलेक्ट करेंगे, बीएलई से संबंधित जो एजेंसी नियरेस्ट में है उस एजेंसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। लैंडमार्क में सब डिस्ट्रिक्ट विलेज विलेज की यहाँ पर लिस्ट आएगी, उस सिलेक्टेड लिस्ट से ही उसको सिलेक्ट करना है, ये पिन कोड और ईमेल आईडी अनिवार्य है। ये पूरा डिटेल जो होगा ये एड्रेस डिटेल में आएगा, पूरा एड्रेस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अकाउंट डिटेल मांग रहा है, अगर ग्राहक सब्सिडी चाह रहा है तो यहाँ पर यस करेंगे और ग्राहक का बैंक डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा हमें, तो नेम इन बैंक अकाउंट, तो ग्राहक का बैंक में क्या नाम है, फिर ये सिलेंडर आपका 14.2 केजी और 5 केजी दो कैटेगरी में ग्राहक रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सिलेंडर की क्वांटिटी यहाँ पर एक और दो, अगर ग्राहक एक सिलेंडर लेना चाहता है तो एक सिलेंडर, अगर दो सिलेंडर लेना चाहता है तो दो सिलेंडर सिलेक्ट करिए यहाँ पर, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है डॉक्यूमेंट डिटेल नेक्स्ट पेज में, तो डॉक्यूमेंट डिटेल में क्या क्या लेना है, यहाँ पर पासपोर्ट वोटर आईडी आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस एंड पैन कार्ड, तो ज़्यादातर ग्राहकों से आपको आधार कार्ड लेना है और बैंक पासबुक, तो यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे
और ये इस अथॉरिटी ने इसको इशू किया है, तो UIDAI यहाँ पर अटैचमेंट लगेगा जो आइडेंटिटी प्रूफ है, तो स्कैन करेंगे यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे। ये 50 KB से कम का फाइल लगेगा, ये फाइल भी अपलोड करके देख लेते हैं। यहाँ पे उसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर पड़ेगा, तो हमने वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। फिर आपका POI, यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में क्या ले रहे हैं ग्राहक से, तो एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार ले सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ भी डॉक्यूमेंट उसका अपलोड करना है। और अथॉरिटी आपका सेम है UIDAI, और यहाँ पर भी सेम नंबर है, और यहाँ पर ग्राहक का फोटो अटैच करना है, और यहाँ पर आधार नंबर डालना है ग्राहक का, और ग्राहक का बैंक अकाउंट डिटेल, कंफर्म करेंगे IFSC कोड आपका, यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल, देन सबमिट करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर CSC के माध्यम से 20 रुपए का रसीद जनरेट होगा, जो कि ग्राहकों से 20 रुपए लेना है एक रजिस्ट्रेशन के लिए। इंद्र जी एक सेकंड ही रुकिएगा, जैसे कि आपने मेंशन किया कि हमें ग्राहकों से 20 रुपए लेना है, तो इसमें मैं वेले भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो ये 20 रुपए है, 20 रुपए जब आप कस्टमर से लेंगे तो इसमें वैलेट से आपका 7 रुपए 12 पैसे कटा था, और वेली कमीशन 12 रुपए 88 पैसा है। तो एक मतलब एक सर्विस है आज के टाइम पे जिसमें आपको इंस्टेंट 12 रुपए मिल रहा है, क्योंकि अभी बाकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या आप गैस बुकिंग करते हैं 2 रुपए आपको मिलता है, तो अगर आप गैस बुकिंग करते हैं तो 2 रुपए उसका हो गया, आप न्यू कनेक्शन लेते हैं तो 12 रुपए उसका हो गया, 14 रुपए ये हो गए। और अगर उसी कस्टमर का आपने न्यू कनेक्शन करा दिया, आपने आगे चल के उसकी गैस बुकिंग करी, तो पर सिलेंडर पे 2 रुपए उसको मिलते रहेंगे। दूसरा, पर सिलेंडर पे जब वो आपके माध्यम से कनेक्शन लेगा तो आगे आपके माध्यम से ही डिलीवरी करेगा, तो 10 रुपए आपको पर डिलीवरी पे आपको कमीशन देगा। तो मतलब समझिए एक कस्टमर पे 12 रुपए मतलब आपको लिमिटेड में गया नया कनेक्शन का, और हर महीने 12 रुपए आपको कमीशन मिलता रहेगा, 10 रुपए डिलीवरी का, सिलेंडर डिलीवरी का, और 2 रुपए गैस बुकिंग करेगा। तो आज के समय में इतने इतना अच्छा कमीशन बाकी सर्विस में भी नहीं है, तो आप सभी से अनुरोध है कि जो भी कनेक्शन अप्लाई करें जेन्युइन करें, क्योंकि आपके माध्यम से कस्टमर अगर आपके माध्यम से HPCL में जुड़ रहा है तो उसको सर्विस भी अगर आप सही देंगे तो वो हमेशा आपसे जुड़ता रहेगा, और एक कस्टमर से 100 कस्टमर कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे, इंद्रेश प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग ना?
जी प्रोसेस करिए। हाँ सर प्रोसेस कर रहा हूँ। नेट का कनेक्टिविटी के कुछ इशू आ रहा है इंद्रजी के साथ। इंद्रजी साइट का इशू है सर। हाँ कोई कोई इशू नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कर लीजिए। ओके चलिए, तब तक मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने कमीशन के बारे में बताया था, वही नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो पेमेंट स्क्रीन अपडेट होगा, जहाँ पे आपके वॉलेट से पैसा डिडक्ट होगा 7 रुपये 12 रुपये। जी दूसरा पेज तो नहीं शो हो रहा है पॉपअप में, देखिए एक बार, नया पेज ऐड हो रहा हो पेमेंट का? नहीं सर, इसी पेज पे आता है सर, आज कुछ इशू आ रहा है सर, पेज आगे बढ़ नहीं रहा है। नहीं, क्योंकि स्क्रीन हम लोग शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरा पेज ओपन नहीं आ रहा हो। एक बार देखिए, पॉपअप आता है ना दूसरा पेज का? नहीं सर, पॉपअप बॉक्स नहीं आ रहा सर। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं, आप दोबारा शेयर कर लीजिए, आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। तो वेले भाई, नेक्स्ट जब तक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, प्रॉब्लम साइट की प्रॉब्लम कर रहा है, तब तक मैं आगे बताना चाहूँगा कि जब तक इंद्रजी जी दोबारा लॉगिन कर रहे हैं, तो जैसे कि रमेश जी, जैसे कि मैंने बात किया कि एक कस्टमर पे एप्लीकेशन लाने पे अगर एक नया कनेक्शन आता है तो उसको VLE को हर महीने एक बार तो चलिए 12 रुपये मिल जाएगा, उसके बाद जितनी बार गैस बुकिंग करेंगे तो 2 रुपये गैस बुकिंग का हो गया, और सॉरी 10 रुपये डिलीवरी का उनको मिलता रहेगा। तो ये 10 रुपये एक अच्छा कमीशन है, और इससे कस्टमर भी कनेक्ट होगा, और एक कस्टमर से 100 कनेक्शन कस्टमर कब बन जाएंगे बेली भाइयों को आइडिया भी लगेगा। तो एक अच्छा जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है अर्निंग का, और जिससे डिस्ट्रीब्यूटर को भी काफ़ी फायदा होगा कि उसकी रीच विलेज लेवल तक हो रही है, हमारे वेली भाई शोल्डर टू शोल्डर उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब तक इंद्रेश जी शेयरिंग कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करता हूँ, डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। अभी जो भी वेली भाई अभी तक किसी भी OMCs का डीलरशिप नहीं लिए हैं, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि वो अपने नियरेस्ट जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे आज हम SPCL की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई वेली भाई SPCL में इंटरेस्टेड है तो वो अपने नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से मिले जिसका कनेक्शन उनके क्षेत्र में ज़्यादा हो, क्योंकि अगर कनेक्शन अगर आपके क्षेत्र में नहीं होगा और आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप कर लिया है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी आपसे टाई अप करना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि उसकी रीच ग्राम सभा तक, विलेज तक आसानी से पहुंच सके, और क्योंकि आप विलेज एंड लेवल में बैठे हुए हैं तो आप इजिली सर्विस दे सकते हैं। तो आप पहला तो चयनित ये करिए कि इंद्रजी आप एक बार ट्राई कर लीजिए, पोर्टल ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डीलरशिप लेने में ये सबसे बड़ी बात ध्यान में है कि आप सर्विस लेते हुए डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रोच करते समय इस बात का ध्यान रखें। दूसरा ये ध्यान रखिए कि कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी हो, क्योंकि 10-12 किलोमीटर की दूरी हो, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का डिलीवरी नहीं हो रही है तो वहाँ पे ज़्यादा आपको बेनिफिट। दूसरा, आपको एग्रीमेंट करते समय
ओरिजिनल कॉपी एग्रीमेंट की आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास पॉइंट पर रहेगा और उसकी फोटो कॉपी और स्कैन करके जब आप सीएससी चैनल पे अपलोड करेंगे तब उसके बाद आप 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करेंगे। कोई भी एग्रीमेंट ओएमसी के साथ एग्रीमेंट तब तक मान्य नहीं होगा जब तक आप पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड आधार कार्ड और एग्रीमेंट अगर ये कॉपी ये चीजें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे और 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक कोई भी एग्रीमेंट मान्य नहीं होगा। देखिए सी एस सी वी एल ई जो ओ एम सी का जो सारी तीनों गैस एजेंसियों का जो हमारे सी एस सी के साथ जो टाइप हुआ ये यही टाइप हुआ है कि जो हमारा वी एल ई है जो हमारा सी एस सी आई डी यूज़ कर रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वही लोग को हम ये सर्विस दे रहे हैं कि आप ओएमसी से टाइप करिए और सीएससी के माध्यम से डिलीवरी करिए। अच्छा डिलीवरी 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो ये मान्य हो जाएगा कि आप सीएससी वीएलई हैं और आपने एग्रीमेंट कंप्लीट किया। एग्रीमेंट कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जिसमें सबसे बड़ा क्रम में है कि आप सेफ्टी पर्पज को भी ध्यान रखिए जो इधर देखने में बहुत आ रहा है कि आप केज बोला गया था केज बनाने के लिए जो कि केज जिसमें गैस सिलेंडर सेफ रहेगा सेंटर से थोड़ा दूर होके दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ने में अगर कोई अनहोनी होता है तो आप उससे कंट्रोल कर सकें स्टार्टिंग फेज पे। दूसरा चीज आप जो भी डिलीवरी कर रहे हैं जो भी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं उसका पूरा लेजर बनाइए कि अगर आपने सिलेंडर से 7 सिलेंडर लिया है। देखिए 7 सिलेंडर के बाद में भी एक बता दे रहा हूँ कि कई वेली भाई जो पहले से ही ये सर्विस कर रहे हैं उनके पास ये देखा गया है कि वो 7 सिलेंडर से ज़्यादा सिलेंडर अपने सेंटर रख रहे हैं। देखिए ये एग्रीमेंट के अगेंस्ट में है अगर ऐसा कोई पाया जाएगा फूड एंड सप्लाई की तरफ से इंस्पेक्टर साहब लोग जो मॉकिंग रोड जो रेगुलर बेस पे चेकिंग करते रहते हैं अगर उनके द्वारा ये पकड़ा गया 7 सिलेंडर के ऊपर आपके सी एस सी सेंटर पे अगर सिलेंडर मिले तो वो नियम के विरुद्ध हैं उसमें जो भी विभाग कार्रवाई करेगा उसमें आपकी जिम्मेदारी है उसमें ओएमसी मतलब एचपीसीएल बीपीसीएल आईओसीएल और सीएससी हम तीनों लोग का उसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा उसमें आपको खुद जवाब दे इवेंट में क्योंकि हमारे हिसाब से 100 केजी मीन्स 7 सिलेंडर 14.5 केजी के 7 सिलेंडर आप अपने सेंटर पर रख सकते हैं वो भी प्रॉपर फायर एक्सटेंशन केज में और ये देखना है कि कहीं लीकेज नहीं हो रहा है उसमें। तीसरी चीज तीसरी चीज जो बहुत ध्यान में रखना है कि कोई भी जैसे कोई वेली के पास मल्टीपल सीएससी आईडी है तो ऐसा नहीं है ये नियम के विरुद्ध है कि आप एक सेंटर पे एक जगह पे सिर्फ एक ओएमसी का मतलब एक ही गैस एजेंसी से आप डीलरशिप ले सकते हैं हम दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से डीलरशिप नहीं ले सकते हैं। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर से बन नहीं रही है या वो सिलेंडर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे जिला प्रबंधक से संपर्क करें या मुझे अभी मैं मेरी मेल आईडी अजय जी अभी यहाँ पे दिखाएंगे तो आप मेरे को मेल करिए डिपार्टमेंट जो ओएमसी ऑफिसर्स हैं उनसे बात करेंगे और जो भी हो सकेगा हेल्प करेंगे। तीसरी चीज़ जो ओवर चार्जिंग नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट का रेट है जो डिस्ट्रीब्यूटर को भी फॉलो करना है डिस्ट्रीब्यूटर भी पेट्रोलियम मिनिस्टर के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं वही हमको ही फॉलो करना है। जो गवर्नमेंट से रेट है उसी रेट में आपको डिलीवरी करनी है डिलीवरी के बाद डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो मोड है दो मोड ऑफ पेमेंट है पहला 10 रुपए जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर अपने साधन से आपके सीएससी सेंटर पे डिलीवरी करेगा सिलेंडर से वो एक अलग मोड है। अगर आप अपने एक्सपेंसेस यूज करके डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से सिलेंडर लेकर आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको उस पॉइंट पे 19 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेगा। ये दो पेड ऑफ मोमेंट कमीशन मोड एग्रीमेंट में भी साफ साफ मेंशन है तो आप इनका नॉर्म से फॉलो करिएगा। हाँ अगर आप देखेंगे मेरी मेल आईडी पॉपअप हो रही है तो आप मेरे को जिला प्रबंधक भी संपर्क करिए और जरूरत पड़ने पे मेरे को भी मेल कर सकते हैं। इंद्र जी अगर सिस्टम ओके हो गया तो हम लोग दिखाएं लास्ट पेमेंट स्कीम।
शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, शेयर करिए। तो ये कुछ बातें हैं जो डीलरशिप के बारे में है जो आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं कैसे कहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड होता है वो स्क्रीन भी अभी इंद्रेश जी जब वितरण ऐप के बारे में बता लेंगे तो मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट स्टेज पे बताऊंगा कि कहाँ से आपको लॉगिन करना है और कैसे आप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंद्रेश जी अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इंद्रेश जी आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, ये जितने भी सीएससी वीएलई हैं उनका सबसे पहले एलपीजी वितरक के पास उनके पैकेज में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन होने के लिए उसका मोबाइल नंबर चाहिए होगा और जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन एलपीजी वितरक के पास हो जाएगा। इंद्रेश तो इंद्रेश इंद्रेश एक मिनट इंद्रेश, जरा बताइए आप क्या बताने जा रहे हैं उसके बारे में बताइए। ओके सर, सॉरी सर, सर मैं बताने जा रहा हूँ कि एचपी गैस वितरण ऐप जो एचपीसीएल के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसमें सीएससी वीएलई भी लॉगिन कर सकते हैं, उनका गैस बुकिंग, मोबाइल नंबर अपडेट, बाकी कुछ फीचर्स हैं जो अभी डिसेबल हैं वो उनके लिए आएगा बाद में। तो सीएससी जितना भी सीएससी वीएलई है जो वितरक से रजिस्टर्ड हैं उनको अपने एलपीजी वितरक से बोलना पड़ेगा कि उनका वितरण ऐप अनाबल करें, जिसके लिए उनको मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एचपीसीएल के डीलर के पास और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके पंजीकृत मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, जो रजिस्टर्ड नंबर है वो उनका लॉगिन होगा और ओटीपी उनका पासवर्ड होगा और जो पासवर्ड होता है वो 1 महीने के लिए वैलिड रहता है। तो इसके लिए सीएससी वीएलई को प्ले स्टोर में जा करके एचपी गैस वितरण ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसको हम प्ले स्टोर पे सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लोगो आपको दिखेगा जिसके आएगा एचपी गैस वितरण हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें वीएलई भाइयों को बताना ये वितरण ऐप इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है आज की डेट में कि आप कितना सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर से उठा रहे हैं और कितना डिलीवर कर रहे हैं इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूटर को जानकारी नहीं मिल रही है। तो इसके माध्यम से आप कितनों भी सिलेंडर आप ले रहे हैं और कितना सिलेंडर डिलीवर कर रहे हैं उसकी जानकारी इसमें जरूर डालें ताकि डिस्ट्रीब्यूटर और यहाँ पे एचपीसीएल ऑफिसर को भी पता चले कि हमारे वीएलई ने कितने सिलेंडर लिए और कितना डिलीवर किया है। इससे आप ऑनलाइन जो कैश के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से उनको ट्रांसफर करते होंगे। रमेश जी इसमें पेमेंट मोड भी है ट्रांसफर करने का क्या? सर पेमेंट मोड अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, वितरण ऐप में पेमेंट मोड अवेलेबल है बट अभी आपके लिए डिसेबल करके रखा हुआ है। जी बाकी हमारे डिलीवरी मैन के लिए इनेबल है तो आने वाले टाइम पे वो भी इनेबल हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला मोटो इस वितरण ऐप को सभी वीएलई भाइयों से जो कि एचपीसीएल का डीलरशिप ले चुके हैं पहले से लिए हैं या इस फेसबुक लाइव के बाद आगे लेंगे उन सभी के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप वितरण ऐप जरूर डाउनलोड करें। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर से कितना सिलेंडर आप ले रहे हैं, कितना डिलीवर कर रहे हैं उसकी तो जानकारी रहेगी। उसमें बेनिफिट आपको है कि कमीशन लेते समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी इंफॉर्मेशन रहेगी कि कितने सिलेंडर आपसे उसने आपने उससे लिया और कितना आपने डिलीवर किया और उसी के बेस पे वो कमीशन पेमेंट भी आपको कर देगा। तो दोनों ही फायदा है, एक आपको ये फायदा है कि आपको ये जानकारी रहेगी कि आपने कौन सा सिलेंडर लिया, किस कस्टमर को दिया और आपने कब सिलेंडर उठाया, कितने दिनों के बाद आपने डिलीवरी वापस कर दी। तो ये सभी वीएलई भाइयों से जो एचपीसीएल का कस्टमर कनेक्शन डीलरशिप ऑलरेडी ले चुके हैं, जिन्होंने एग्रीमेंट करके एचपीसीएल डिस्ट्रीब्यूटर से एग्रीमेंट करके 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं एचपीसीएल को लेकर, वो लोग एचपी गैस का वितरण ऐप डाउनलोड करें और उसमें एंट्री करें, इस पर करके देखें और उससे आपको ट्रैकिंग बहुत आसानी होगी।
इसमें सर एक मैं विनय साहब एक और चीज बताऊंगा, अभी याद आ गया मेरे को, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है वो। इसका बेनिफिट क्या है कि जितने एलपीजी कस्टमर्स रहते हैं वो सभी कस्टमर का इंश्योरेंस रहता है हमारे यहाँ पे तीनों कंपनी में। जिस दिन भी उसका कंज्यूमर नंबर जनरेट होता है वो इंश्योर्ड हो जाता है, और उसमें कोई भी दुर्घटना होती है जिसमें कस्टमर की गलती हो या इक्विपमेंट फॉल्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एलपीजी का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें 2 लाख रुपए का प्रॉपर्टी डैमेज, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक पर पर्सन पर हाउस होल्ड, और 2 लाख रुपए मेडिकल, और 6 लाख रुपए जो है डेथ केस में रिफंड आता है, और ये बहुत आसानी से आता है अगर टाइमली रिपोर्ट हुआ है और हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड है। तो वितरण ऐप में यदि बुकिंग करेंगे और डिलीवरी कंफर्मेशन करेंगे तो वो सडन होगा। तो अगर इन बिटवीन होता है दुर्घटना तो उसमें पहली कंडीशन है कि हमारे सिस्टम में वो शो होना चाहिए। तो वितरण में अगर आप पंचिंग करेंगे डिलीवरी करेंगे तो हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा। अभी क्या होता है कि हमारे डीलर को पता नहीं चलता है और वो पंचिंग या बुकिंग लेट हो जाती है। अगर उससे पहले कोई दुर्घटना हो गया वी विल नॉट क्लेम। तो जो ये बहुत अच्छी बात है इसमें। तो इंद्रजी जी आप दिखा दीजिए कैसे इसको लॉगिन करेंगे और कैसे इसका यूजर आईडी पासवर्ड बनेगा, और उसके बाद फिर हम लोग जो मेरी भाइयों का जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको टेकअप करेंगे और फिर आगे में। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि पहली बात तो ग्राहक जो एससी गेली है उसका रजिस्ट्रेशन एसपीसीएल के पास उनके पोर्टल में होना चाहिए, और पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो कि उनका पासवर्ड होगा, वो 30 दिन तक वैलिड रहता है। तो ये ऐप डाउनलोड होने के बाद ऐसा लॉगिन पेज आएगा वीएलई के मोबाइल पे, तो यहाँ पर वीएलई अपना मोबाइल नंबर टाइप करेगा, और जो ओटीपी वीएलई को मिला है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए 2 चीज़ें आएंगी, जो फिंगरप्रिंट के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं या पिन बना सकते हैं। ये इंटरफेस आएगा जो वितरण ऐप का है, यहाँ पर डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको पीछे देखने मिलेंगे यहाँ पर कैश मेमो टोटल कितना है और कैश मेमो नंबर और टोटल कलेक्शन कितना उसने डिलीवरी कंफर्मेशन किया है और कितना डिजिटल पेमेंट किया है, ये आपका डैशबोर्ड में दिखाई पड़ेगा। और सेकेंड ऑप्शन है डाउनलोड एंड व्यू कैश मेमो का, यहाँ पर कैश मेमो जो आपके जनरेट हो चुके हैं या प्रिंट हो चुके हैं वो उसकी लिस्ट आपको सेकेंड ऑप्शन में देखने को मिलेगी। जैसा कि अभी कोई कंज्यूमर का डिटेल यहाँ पर मैप नहीं है तो कोई डिटेल नहीं शो करेगा। थर्ड ऑप्शन है ये प्रिंटिंग के लिए है, तो यहाँ पर ग्राहक का मोबाइल नंबर डालकर वो कंज्यूमर नंबर डाल करके उसका कैश मेमो प्रिंट किया जा सकता है, जिसके लिए फ्यूचर में उसे एक प्रिंटिंग डिवाइस जो हैंडल बाय हैंड यूज होती है उसको लेना पड़ेगा, जिससे वो ग्राहक को कैश मेमो दे सकता है। फोर्थ ऑप्शन है इंस्टेंट रिफिल बुकिंग का, सिलेंडर बुकिंग का, तो यहाँ पर वीएलई ग्राहक का गैस बुकिंग कर सकता है जो मेन पर्पज है अभी तक वितरण ऐप का। यहाँ पर कोई भी ग्राहक गैस लेने आता है वीएलई के पास तो उसका कंज्यूमर नंबर यहाँ पर डालेगा वीएलई। एचपीसीएल में ये पहला कंज्यूमर नंबर मैं डाल रहा हूँ किसी भी ग्राहक का, तो गेट कंज्यूमर डेटा पे क्लिक करेगा तो ग्राहक जी इंद्रजी थोड़ा सा रोकूंगा आपको अभी इस पार्ट को अभी रहने दीजिए, क्योंकि पोर्टल से ऑलरेडी वेली भाई गैस बुकिंग करते हैं तो अभी थोड़ा सा ये कंफ्यूज
रहेगा। तो अभी जो उन सभी ने देखा और हमारा रमेश जी का और बाकी ऑफिसर्स का जो सीनियर ऑफिसर्स हैं एचपीसीएल का, उनका जो मेन मोटिव ये है कि हमारे चैनल से 4000 प्लस एचपीसीएल में वेली भाई ऑलरेडी डीलरशिप ले चुके हैं, अब उसमें से कितना सिलेंडर डिलीवर हो रहा है इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पा रही। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे बट हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे कितने सिलेंडर डिलीवर हो रहे हैं। तो हम इस फेसबुक लाइव बाद मैं उम्मीद करूंगा जो 4000 एचपीसीएल में ऑलरेडी डीलरशिप ले चुके हैं या जो इस कार्यक्रम के बाद इंटरेस्टेड लोग हैं जो डीलरशिप के लिए आप एचपीसीएल डिस्ट्रीब्यूटर से आप अप्रोच करेंगे, वो लोग वितरण ऐप में जरूर अपने को इंस्टॉल करें और एक शुरुआत में दो तीन एंट्री करके जरूर रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। आप धीरे धीरे आप उसमें डीलरशिप का ट्रैक डालें बट पहले फेज में आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। रजिस्ट्रेशन करने से ये होगा कि आप लोग को दिखेगा कि कैसे काम करना है क्या है, धीरे धीरे अपने दिनचर्या में जो सिलेंडर डिलीवर कर रहे हैं आप लोग आप उसको भी स्टार्ट कर दें। तो उससे क्या होगा, ट्रैकिंग होनी है आपके लिए, ट्रैकिंग हो जाएगी, पेमेंट सिस्टम आपके लिए, क्योंकि डीलरशिप का जो सर्विस है वो ऑफलाइन है जिसमें डीएलई और डिस्ट्रीब्यूटर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है, उसमें सीएससी की तरफ से कोई उसमें ऐसा नहीं है। तो ये ट्रैक हो जाएगा कि आपको पेमेंट हो जाएगा। तो रमेश जी अभी तक हम आप और इंद्र जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत कुछ आपने बताया आज हमें इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आगे ये देखते हुए कि समय हमारे पास अभी तो कुछ वेली भाइयों का हम क्वेश्चन भी ले रहे हैं, जैसे अभी शीतांशु त्रिपाठी जी हैं। अगर मान लीजिए किसी मैंने एड्रेस बिहार का है और वह उत्तर प्रदेश में गैस कनेक्शन लेना चाहता है तो क्या वह ले सकता है? रमेश जी ये क्वेश्चन है शीतांशु त्रिपाठी जी का। हाँ शीतांशु त्रिपाठी जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। बिल्कुल वो कनेक्शन उत्तर प्रदेश में ले सकता है अगर उसका एड्रेस बिहार का है। कैसे ले सकता है, हमने जैसे पहले बताया कि जो एड्रेस आधार में लगा है अगर उसके पीछे बिहार का लिखा है तो वो एक उत्तर प्रदेश में जहाँ पे रहता है वहाँ का उसका एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे अभी मान लीजिए आप यहाँ किराए पे रहते हैं तो एक एग्रीमेंट जो है 100 रुपए के पेपर पे नोटराइज, नॉट अ रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप जहाँ पे रहते हैं जिसके घर में रहते हैं एक 100 रुपए ऑन पेपर पे आप अपना वो एड्रेस लिखा करके दे देंगे कि भैया मैं यहाँ पे रहता हूँ और उसका ये एड्रेस है ऑन दी बिहाफ ऑफ दिस नोटराइज एफिडेविट यू कैन टेक अ कनेक्शन, या उस एड्रेस का जहाँ पे रहते हैं और कुछ दूसरा प्रूफ है वो भी आप दे सकते हैं, उसके बेसिस पे आप कनेक्शन ले सकते हैं। दो तीन गैस एजेंसी में गए थे डिस्ट्रीब्यूटर का परमिट लेने के लिए, तो वह लोग हैं हमारे यहाँ खुद ही देते हैं, आपको नहीं दे पाएंगे, भगा दिए हैं। मतलब कहने का मतलब आपको किसी गैस एजेंसी से जुड़ना है, जैसा जैसा विनय जी ने बोला कि बेनिफिट वेली को भी होगा जहां पे कस्टमर बेस अच्छा हो उस एजेंसी का और उसका खुद की सप्लाई वहां पे बहुत पंचुअल ना हो, जहां पे रिक्वायरमेंट हो, जहां पे डिमांड हो वहां पे दे सकते हो, और एजेंसी से 10 किलोमीटर के रेडियस के आसपास अगर रहेगा तो बहुत अच्छा सर्विस मिलता है। तो अगर पर्टिकुलर कोई एरिया है जहां पे सप्लाई का प्रॉब्लम है, अगर कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे आप जुड़ना चाहते हैं और आपके थ्रू सप्लाई अच्छी हो सकती है तो आप नाम बताइए, उसको इस्तेमाल कर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रमेश जी एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस मेरे पास भी आते हैं कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर ये कहता है कि आपकी सीएससी आईडी हमारे पोर्टल पे दिखाई नहीं दे रही है, उसने 1000 रुपए का एग्रीमेंट कर 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, एग्रीमेंट अपलोड कर दिया है, एग्रीमेंट कॉपी भी है, अब ये मुझे समझ नहीं पाता, मैं समझ नहीं पाया कि उसके पोर्टल पे सीएससी आईडी कैसे लाइव होगी। सर हमारे यहाँ
हमारा सिस्टम सर जो है सीटी सीमेंस ऑनलाइन सिस्टम है, और उसमें अगर 1000 रुपीज के साथ सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन सीएससी ने किसी एजेंसी के साथ में किया हुआ है तो 10 से 15 दिन के बाद वो आईडी डाल के हमारा डीलर सर्च करता है और उसकी डिटेल दिखती है, और जब दिखती है तो वो सबमिट कर सकता है, और सबमिशन के बाद ही वह डीलर हमारे सिस्टम में उसको स्टॉक इशू कर सकता है, जिससे फ्यूचर में कोई भी विजिट करता है किस एजेंसी से जुड़े हुए हैं, कौन सा एजेंसी कितना सिलेंडर दिया हुआ है, कोई भी ऑनलाइन चेक कर सकता है। ऐसा जो केस है जो सर आपने बताया, एक दो केस है हमारे डीलर भी हमसे क्वेश्चन करते हैं, सर ये सक्सेसफुल हुआ है फिर भी हमारे सिस्टम में नहीं दिख रहा है, बट ऐसे सर एक दो केस है। ठीक है सर, अगर ऐसे केस रहेंगे अब हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, मैं आपको दे दूंगा। तो रमेश जी, समय को देखते हुए आज का इस सत्र को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, और इंद्रेश जी का भी कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नए कनेक्शन बारे में बताया। तो वीली भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हमने आप सभी को एचपीसीएल न्यू कनेक्शन और वितरण ऐप के बारे में डीलरशिप के बारे में बताया, और क्रम को आगे रखते हुए कल कोई हमारे दूसरे सहभागी आएंगे और आपसे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई सर्विस के बारे में जानकारी देंगे। तो आज के लिए हम आप सभी से आज्ञा लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद रमेश जी, एंड धन्यवाद इंद्र जी।